मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संजय सिंह इतना कागज रख के बैठे हैं मोदी अडानी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ इतने कागज है, अडानी के भ्रष्टाचार का इतना कागज है। संजय भैया को जिस तरीके से गिरफ्तार करने का काम किया है, 2024 में ये पूरी तरीके से हारने वाले हैं। ये बौखला चुकी सरकार है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 15 लाख आया हर भारतीय खाते, 15 लाख आया कहा है? 15 लाख कहा है? 15 लाख कहा है? 2 करोड़ नौकरी हर साल, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, कहा है नौकरी? यूपी संजय सिंह आज इमरजेंसी घोषित तो नहीं हुई है, लेकिन आज विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई के छापे डलवाए जा रहे हैं, तो इसे अघोषित इमरजेंसी ही समझ लीजिए। हम लोग जा रहे हैं बीजेपी कार्यालय, जितनी लाठी चलाना चलाएं, कितना जेल भेजना भेजे। 2024 में पूरी तरीके से इनकी ऐसी तैसी होने वाली है। इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। यूपी संजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेरा यूपी संजय सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर किस तरह से देख रहे हैं इस गिरफ्तारी को? ये डरी हुई सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सबसे पहले सत्येंद्र जैन साहब को, फिर मनीष सिसोदिया साहब को, और अब पूरे भारत की आवाज बन चुके संजय भैया को जिस तरीके से गिरफ्तार करने का काम किया है, 2024 में ये पूरी तरीके से हारने वाले हैं। ये बौखला चुकी सरकार है, और जब भी संजय भैया बाहर आएंगे, एक एक व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है ये सारे लोग जानते हैं। सत्ता में आने के बाद ये रंगा बिल्ला की जोड़ी, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, लगातार पूरे देश को बरगलाने का काम कर रही है, वो पूरी तरीके से उनका झूठ का पर्दाफाश जनता जान चुकी है। ये तो जानने वाले लोग हैं ना, ममता बनर्जी का भतीजा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर है, जो जो इंडिया गठबंधन के साथ में है, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई को भेजने का काम लगातार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ब्रजभूषण शरद सिंह पे आरोप लगा, येदुरप्पा पे आरोप लगा, ईडी इनके घर नहीं गई, और एक चीज सिंगल एक रुपए इनको बरामद नहीं हुआ इनके पास में। इसलिए समझना पड़ेगा, और पूरी जनता, देश की जनता इस बात को समझ रही है, और देश के लीडरशिप के लिए देश के नेता संजय सिंह है। क्या लग रहा है, बीजेपी बौखलाई हुई है 2024? पूरी तरीके से बौखलाई हुई है 2024 में। पूरी तरीके से इनकी ऐसी तैसी होने वाली है। इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। देखिए संजय सिंह इतना कागज रख के बैठे हैं मोदी अडानी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ इतने कागज है, अडानी के भ्रष्टाचार का इतना कागज है। कितनी बार ईडी को उन्होंने लिखा कि आप आइए, हम आपको सबूत देते हैं अडानी के खिलाफ, कभी ईडी नहीं आई, कभी ईडी नहीं आई। अगर ईडी ईमानदार संस्था है, अगर ईडी स्वतंत्र संस्था है, तो जब संजय भैया बुला रहे थे कागज अडानी का भ्रष्टाचार का उनके पास है, तो नहीं लेके आए, ईडी नहीं आई। बीजेपी कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं। 11 लाख करोड़ उन्होंने माफ किया कॉर्पोरेट का, 2.5 लाख करोड़ अडानी का माफ किया, किसान मर रहा है, देश के नौजवान बेरोजगार है। ये सरकार कॉर्पोरेट की सरकार है, ये सरकार कॉर्पोरेट की सरकार है, ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, ये सरकार इस देश के नागरिक के लिए काम नहीं कर रही है। सारे वादे झूठे, 15 लाख हर खाते में आएंगे, मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख आया हर भारतीय खाते, 15 लाख आया कहा है? 15 लाख कहा है? 15 लाख कहा है? 2 करोड़ नौकरी हर साल, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, कहा है नौकरी? किसानों को भी बेचने वाले थे वो, तो किसान एक साल से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया तो कानून वापस लिया, सारी खेती सारा एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट को देने वाले थे। मोदी जी जो यहाँ का प्राइमरी प्रोडक्ट है, जो हिंदुस्तान का प्राइमरी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर, उसको भी देने वाले थे कॉर्पोरेट को। मोदी जी कॉर्पोरेट के 2024 में सफा बीजेपी 2024 में जा रही है, इंडिया जीत रहा है, इसी के डर से संजय भाई इतने तगड़े प्रवक्ता है, पूरे देश में प्रचार करते हैं। अब उनको छोड़ेंगे नहीं है, 2024 तक चुनाव के बाद छोड़ेंगे, उनको बंद किया है, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको जमानत भी नहीं देंगे, जज इनके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं,
बीजेपी के कार्यालय, हम लोग जा रहे हैं बीजेपी कार्यालय, जितनी लाठी चलाना चलाएं, कितना जेल भेजना है भेजे, सुरक्षा बल है, सुरक्षा बल होने दो। हम लोग देश के लिए हम लोग लड़ेंगे, खून बहा देंगे इस देश के लिए, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिखा हुआ जो संविधान है, उस संविधान को हम लोग मरने नहीं देंगे, उस संविधान के लिए लड़ेंगे हम लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिए लड़ेंगे हम लोग। संविधान तो सही है, अपना काम कर रहा है। नहीं, ये ईडी, ये ईडी सीबीआई सब सरकार के दबाव में काम कर रही है। हेमंत विश्व शर्मा वहाँ कर्नाटक का मुख्यमंत्री, असम का मुख्यमंत्री वो हेमंत विश्व शर्मा, और कर्नाटक का मुख्यमंत्री येदुरप्पा, उसने भ्रष्टाचार किया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। जो वो अजीत पवार के खिलाफ घोटाला खोल रहे थे मोदी जी, मोदी ने कहा था अगले दिन उनको डिप्टी सीएम बना दिया। अरे मोदी जी की करनी और करनी में क्या फर्क है, बहुत बड़े मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इससे झूठा प्रधानमंत्री, झूठ बोल रहे हैं वो। अब की 2024 में देश की जनता उनको सबक सिखाएगी, उनका सारा झूठ जो बोल रहे हैं 10 साल से, वो सारा झूठ उनका यही 2024 में खत्म होगा, सफाई हो जाएगी। ये लोग 140 करोड़ में से ही हैं, अगर सभी उनके साथ है तो यहाँ क्यों आए? देखिए पूरा देश जानता है, इस वक्त पूरा देश जानता है, बच्चा बूढ़ा जवान जानता है कि जो भी केंद्र सरकार के सवाल पूछता है, जो भी केंद्र सरकार से काम के प्रति सवाल पूछता है, महंगाई पे, बेरोजगारी पे जो भी सवाल पूछता है, सरकार उसे ईडी सीबीआई के जरिए जेल में ठूस देती है। ये आम जनता को पता है, पूरे देश को पता है। जहाँ तक हमारे संजय सिंह का सवाल है, संजय सिंह जी राज्यसभा में भरपूर सरकार से सवाल पूछते थे, अडानी पर सवाल उठाते थे, भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते थे, इसलिए उनका मुंह बंद करने के लिए इन्होंने संजय सिंह को भी जेल में डाल दिया। और दूसरी बात, जब तक चुनाव आएगा तब तक विपक्ष का हर नेता जेल में डाला जाएगा। आपने देखा होगा कि इमरजेंसी के टाइम में विपक्ष का हर नेता जेल में था, लेकिन जेल से ही उसने चुनाव लड़ा और हर नेता चुनाव जीता। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालेगी और जेल से विपक्ष के नेता चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने का काम करेंगे। देखिए इमरजेंसी और स्वघोषित इमरजेंसी, इमरजेंसी में क्या हुआ था? इमरजेंसी में यही हुआ था कि जो विपक्ष के नेता जो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, जो सरकार से बेरोजगारी के लिए सवाल पूछ रहे थे, उनको सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने जेल में डाल दिया था। आज इमरजेंसी घोषित तो नहीं हुई है, लेकिन आज विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई के छापे डलवाए जा रहे हैं, तो इसे अघोषित इमरजेंसी ही समझ लीजिए। ये तानाशाही है सीधी सीधी। हम देखे तो पहले हमारे डिप्टी सीएम को अरेस्ट किया गया, एजुकेशन मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को, और इस बार हमारे राज्यसभा मंत्री संजय सिंह जी को अरेस्ट किया गया है। ये सरासर हिटलर शाही है, अपनी पावरों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, ये जबरदस्ती झूठे मुकदमों में फंसाते हैं, जेल के अंदर डाल देते हैं, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो जेल में जाएगा। बीजेपी बोली अपना स्वतंत्र संस्थाएं अपना काम करेगी। स्वतंत्रता संस्थाएं अब तक अपना काम ढंग से किया कहाँ है? आज तक कौन सा काम उन्होंने ढंग से किया है? उनके पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनके पास सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनके खिलाफ संजय सिंह जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कौन सा स्वतंत्रता रह गया? बिना सबूतों के किस बात का अरेस्ट? अगर कोई सबूत ही नहीं है किसी के खिलाफ, तो उसको अरेस्ट किस बात के लिए किया जा रहा है? वो हमारे देश के राज्यसभा मेंबर हैं, राज्यसभा मेंबर को इस तरीके से अरेस्ट करना सरासर गलत है। ये हिटलर शाही नहीं है तो क्या है? पूरे देश को मालूम है ये बीजेपी अपनी हिटलर शाही कर रही है। ईडी सीबीआई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कहे पे काम करती है, जहाँ पे बीजेपी को ये लगता है कि ये इंसान हमें ज़्यादा घात पता रहा है, ज़्यादा सच बोल रहा है, उसी के खिलाफ ही अपना मुहिम चला देते हैं, उसी को अरेस्ट डलवा देते हैं। लगातार इन्होंने आम आदमी पार्टी को इस तरीके से टारगेट कर रखा है। 10 साल के अंदर इतना करारा तमाचा ऐसा देश, पूरे देश के अंदर किसी ने नहीं मारा जैसा आम आदमी पार्टी ने मारा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को उसकी असलियत दिखाई और इसीलिए उसको खतरा नजर आ रहा है बीजेपी को, आम आदमी पार्टी से, इसलिए वो हमको टारगेट कर रहे हैं।